द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए अगली खबर जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, देख लेते हैं इस बड़ी खबर को। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव भोगपुर निवासी विष्णु का 8 वर्षीय पुत्र मयंक लगभग 11 तारीख की शाम के समय से अपने घर से साइकिल लेकर निकला था। काफी समय बीत जाने के बाद भी घर नहीं लौटा। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काफी खोजा, लेकिन मयंक का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद मयंक के परिजनों ने संबंधित थाने को इसकी शिकायत दी। अगले दिन सुबह घायल अवस्था में ज्वार के खेत में मयंक मिला। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली, आनन फानन में अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंचकर उसे भर्ती कराया और इस समय मयंक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मयंक के परिजन इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने कहा है कि उसे जगह जगह शरीर पर चोट के निशान है। वहीं आपको बता दें कि गांव के राजू आकाश भूषा के घर से खून के निशान, ईंट पत्थर व कपड़ा बरामद हुआ, इस तरह की जानकारी आ रही है जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उषा राजू आकाश का घायल मयंक के परिजनों से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं आपको बता दें कि घायल मयंक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस काफी ढील बरत रही है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे, उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जब इस संबंध में अरनिया थाना से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कौन से गांव के रहने वाली हो? भोगपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके घर परिवार में? क्या घटना हुई है आपके परिवार में? 6 बजे के बाद मेरा बच्चा घर पर गया। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? मैं। अच्छा, तो साइकिल लेकर घर पर गया तो घर पर उन्होंने मतलब जामुन के नाम बुलावा करता, जामुन के नाम बुला के मेरे बच्चा की पता ही ना कहाँ गया। अच्छा, कब मिला फिर? सुबह 8 बजे दूसरे दिन। कहाँ से मिला? ज्वार में, सामने ज्वार है, ज्वार में मिला। तो किसने जानकारी दी ज्वार में पड़ा मिला? मतलब सारे लोग घूमते घूम रहे जब मिला। जब मिला था किस अवस्था में था? मतलब इसकी उसकी मतलब हालत थी बहुत बेकार है। कहाँ है वो? मेडिकल। कहाँ कहाँ चोट है उसके? सिर में चोट है। अच्छा, मुंह में चोट है। थाने में तहरीर दी है? हाँ। किसके नाम दी है? मतलब राजू आकाश और सतीश। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ भी कार्रवाई नहीं। कितने लोग पकड़े गए अभी तक? 4 लोग। इनसे क्या कोई मामला, पुराना झगड़ा है इन लोगों से, जो इन लोग अपने लड़के को उठाया इन लोगों ने, जहाँ कोई सबूत मिला नहीं? झगड़ा था कुछ नहीं।